जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर ब्रेक के बाद मैं वापस आ गया हूँ यहाँ इस्तांबुल तुर्की में, और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट बैठी हैं। इनका जो सीरियल है वो अभी पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ, उसकी आप थोड़ी सी झलकियाँ देखिए, वो इंटरनेट पर मौजूद है, और ये शी हैज़ ऑलरेडी बिकम अ स्टार, बट यू हैव टू वॉच द क्लिप्स बिकॉज इट्स स्टार्टिंग ऑन पाकिस्तान टेलीविजन ऑन वन ऑफ द पाकिस्तानी चैनल्स, और उसके बाद फिर ये भी हमारे हाथ नहीं लगेंगी। तो जनाब आप छोटा सा क्लिप देखिए, एंड व्हेन वी कम बैक वी विल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। आई एम एक्चुअली लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्पीक टू दिस ब्यूटिफुल गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी। लेट्स वॉच द क्लिप एंड कम बैक। आज बारानी रहमत की मेहमान है याशिन जिरान गुजावलो, जिन्होंने मशहूर तुर्की के प्ले कुरुलुस उस्मान में एक अहम किरदार अदा किया। एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ ये एक मजेदार शख्सियत की मालिक भी हैं। इनका अंदाज गुफ्तगू सबसे अलग है। आज यशन से करेंगे ड्रामे के साथ साथ दिल की बातें, तो हमारे साथ रहिए। जी जनाब, हम वापस आ गए हैं। आपने क्लिप देखा, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत थोड़ी देर में बाज़ लोगों से बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं साथ साथ अंग्रेज़ी इसलिए बोलूँगा कि क्योंकि ये अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलती हैं और समझती भी हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अचानक कुछ उर्दू बोल रहे होते हैं तो दूसरा अपना आपको थोड़ा सा एलिनेटेड महसूस करता है, थोड़ा सा अलूफ महसूस करता है। तो आई वॉज सेइंग दैट अ फ्यू पीपल इन लाइफ बिकम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स इन जस्ट लाइक इन अ मिनट, एंड यू आर वन ऑफ देम। वी हैव बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड्स इन लाइक वेरी शॉर्ट टाइम। आई एम sitting next to this beautiful actor Yeşim Ceren Bozaoğlu, am I right? This is how I wrote your name. Imran, ye bilkul ek perfect. I'm sorry, mujhe Turkish you mein bolna can talk in any language, kisi bhi zuban mein, theek hai. To phir main ye kehna chahti hu ki meri zindagi mein agar kisi ne mera naam bahut pyar se liya hai to wo aap hai. Kya aap mera naam dobara lena pasand karenge? Yeah, and you must see how did I write your name here. It's like on O I wrote this O. Oh, or Imran hai. Imran. Surah Ali Imran. So Yeşim is बेसिकली एन एक्टर, असर मैं आप लोगों से उर्दू में बात करूँगा। ये बुनियादी तौर पर वो अदाकारे हैं जिनका भी एक नया सीरियल कुरुलुस उस्मान पाकिस्तान टीवी पे शुरू होने वाला है, और हो चुका है बल्कि एक चैनल के ऊपर, और ये इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और बहुत खूबसूरत ये एक्ट्रेस हैं। इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जब मैंने देखा तो मैंने इनके ऐसे ऐसे क्लिप्स देखे कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाह, व्हाट अ परफॉर्मर शी इज़। और उससे पहले जब हम इंटरव्यू से पहले हम थोड़ा सा चिट चैट करते हैं, थोड़ा सा किसी भी एक्टर के साथ बात करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उससे हमारी सोच कितनी मिल रही है और वो कैसा है, उसके थोड़ा सा उसको ओपन अप करने के लिए। और यकीन करें कि मैं जब इनसे बात करना शुरू हुआ तो मैं बातें करता चला गया, हम इतनी सारी बातों पे बिल्कुल एक ही पेज पे थे। यशम, आई एम सो हैप्पी दैट आई मेट यू। मैं भी सीरियसली, मैं भी मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई मुझे सबसे पहले आपसे मिलके, और बहुत सारी बातें मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, कुछ मैंने जाना। सबसे पहली बात तो ये कि आप रूहानियत पे यकीन रखती हैं, यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, यू बिलीव इन, मुझे सिर्फ अल्लाह पे यकीन, यू बिलीव इन अल्लाह, यू बिलीव इन मेटाफिजिकल साइंसेस, यू बिलीव इन मेटाफिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स एंड सो मेनी थिंग्स व्हिच आई आल्सो एक्टिंग एंड म्यूजिक एंड म्यूजिक एंड लव एंड बीइंग सिंगल और क्या सिंगल उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यस, अभी तक हमने नंबर एक्सचेंज नहीं किए लेकिन हम बात करेंगे इस बारे में। डेफिनेटली डू दैट राइट आफ्टर द कन्वर्सेशन। बट यशम, सबसे पहली बात तो ये कि जिंदगी में खुशी कितनी अहम है, खुशी आपके नज़दीक क्या है, हर किसी के लिए खुशी का जो स्टैंडर्ड है या पैमाना है वो स्केल जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग पैसे को खुशी मानते हैं, कुछ लोग मोहब्बत को खुशी मानते हैं, कुछ लोग हेल्थ को खुशी मानते हैं, कुछ लोग पीस ऑफ माइंड को खुशी मानते हैं, लेकिन असल में खुशी है क्या, जिसको हम सब बचपन से तलाश कर रहे होते हैं और वो तलाश करते करते हम मर जाते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती। खुशी क्या है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस टू यू? इमरान, ये आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम सवाल किया है, ये कि ज़िंदगी में आपके लिए खुशी क्या है या किस चीज़ से सुकून मिलता है। तो मेरे लिए इमरान, अगर ये जो पैसा है, शोहरत है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है, ये चीज़ें मुझे खुशी नहीं देती। मेरे लिए जो इनर पीस है, जो आपका सुकून है, वो खुशी देता है। मुझे कभी भी पैसे से या शोहरत से
खुशी नहीं मिली है मुझे। और लेकिन सुकून किस चीज में है आपके लिए? सुकून कहाँ से मिलता है आपको? अल्लाह से की याद में, अपने आप से बात में, तन्हाई में, लोगों में, हुजूम में, जब लोग आपको बहुत प्यार देते हैं तब, किस चीज़ से आपको खुशी, किस आप सुकून किस चीज़ में ड्राइव करती हैं? दिस पीस, वेयर डू यू फाइंड योर पीस इन लाइफ फ्रॉम? जहाँ जमाने की फिक्र नहीं होती वहाँ सुकून मिलता है मुझे। हाँ, यानी जहाँ मैं अपनी परेशानियों से और फिक्र से आजाद उस मोमेंट में, यानी द पावर ऑफ नाउ, उस वक्त में जीती हूं। हाँ बिल्कुल, जो है अभी, यानी वो चीज़ें जो कि मैं अपनी पसंद से करना चाहूँ, अपनी मर्जी से करना चाहूँ, तो वो चीज़ें जैसे कि कोई काम है ऐसा, एक्टिंग है या कोई और ऐसा काम है जो कि मैं अपनी ख़ुद की ख्वाहिश से करूँ, और उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत सुकून भी मिलता है। और जब मैं ख़ुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है और ख़ुशी भी बहुत मिलती है। उसमें मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि मैं कहाँ हूँ, किस मुल्क में हूँ, क्या नेशनैलिटी है और या किन हालात में रह रही हूँ। जैसे कि देखें, हम दोनों एक ही काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो उसमें हम खुद अपना आप नहीं होते, हम एक कैरेक्टर होते हैं, हमें दूसरे का कैरेक्टर प्ले करना होता है। और यहाँ पर एक और सवाल जो है वो खड़ा होता है कि खुशी का जो ताल्लुक़ है वो सक्सेस से किस तरह है। और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ आप खड़े हों वहाँ पे आप देखें कि अगर आप खुश हैं अपने काम से और अपनी चीज़ों से, तो यानी कि आप सक्सेसफुल भी महसूस करते हैं अपने आप को। आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया और यहाँ तक कैसे पहुँची, इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना यकीनन बहुत से लोगों का ख्वाब होगा कि कुर्लुस उस्मान, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़े सक्सेसफुल शो का सीक्वल है, उसमें आप इतना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। सो दिस could have been the dream for so many people, so many girls and so many established actresses besides you. So how did you manage to get into this role, and did you actually go extra mile, aapne kuch bahut mehnat ki, ya ye aapke upar Allah ka karam tha ki director ya producer ne aapko dekha aur unhone kaha ki yahi ladki chahiye? सच बताऊं तो इमरान, मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने ये मुझे एक इशारा दिया था कि ये कैरेक्टर जो है जो मेरे सामने प्रेजेंट हुआ, तो ऐसा कैरेक्टर मुझे आगे जाके करना चाहिए और ये अच्छा रहेगा। आपका काम बोलता है, बिकॉज़ योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम फॉर इटसेल्फ। बिकॉज़ मैं भी आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, उसमें कुछ एक शायद विमेन डे पे आपने एक बहुत खूबसूरत आपने एक पोस्ट डाली हुई थी जिसके अंदर एक औरत है जिसके, जो मैं आपको पहचान नहीं सका, एंड इट वाज द मेकअप एंड एवरीथिंग वाज सो रियलिस्टिक। और उसमें किसी नॉर्मली ये होता है कि खूबसूरत चेहरे को अपने आप को बिगाड़ के दिखाना जो है वो जरा थोड़ा सा मुश्किल होता जी, है। शुक्रिया। तो आप कहते हैं कि यार नहीं, लड़कियां नॉर्मली कहती हैं कि नहीं मैं तो खूबसूरत ही दिखूं, लेकिन आपने वो चेहरा अपना बिगाड़ा और वो जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही थी वो एक छोटी सी चाल है, जो एक छोटी सी गेट है, आप यहां से वहां तक चल के जा रही हैं, लेकिन वो सब कुछ कह रही है, वो पूरा डिपिक्ट कर रही है ऑन योर फेस एंड योर बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज शोइंग व्हाट एग्जैक्टली यू हैव बीन गोइंग थ्रू। सो how difficult it is for you to just negate yourself and negate your outer self and that persona you have, that that facade, and break into a new character which is not even beautiful apparently. Main yahan pe ye kehna chahungi ki jo asal khoobsurti hoti hai wo pehle to ye ki aapko Allah Taala se milti hai, और दूसरा ये है कि आप कुछ अपने माँ बाप से जेनेटिकली जो है वो इनहेरिट करते हैं। मेकअप वगैरह को मैं इतना नहीं कहूँगी कि इसमें कोई उसका काम होता है, लेकिन आप कैसा कैरेक्टर प्ले करते हैं और उसको किस तरह से निभाते हैं, और जैसे मैं हूँ तो मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो वो मैं इतना उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ, मैं बस वही कैरेक्टर हूँ जो मैं प्ले कर रही हूँ। और जैसे कि आप ख़ुद भी जानते हैं इमरान,
कि जो हम एक्टिंग करते हैं, जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो वो कैरेक्टर्स हम इतने ज़्यादा उन कैरेक्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी रूह को एक तरह से, कि हमें लगता है कि हम वही कैरेक्टर हैं. और जब लोग भी देखते हैं उन कैरेक्टर्स को, तो वो ये सोचते हैं कि हमने कितना डिफरेंट काम किया अपनी पर्सनैलिटी से. और इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा